दोस्तों ने बात करने वाले एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसी मॉडल को आज हम डिफाइन करेंगे। ये दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में दो भाइयों के लिए एग्जैक्ट सेम मकान बना हुआ है, और इसकी अगर हम इस साइज की बात करें तो वो भी आपको मैं बताऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि ये पूरा एग्जैक्ट आपका जो मॉडल है वो कैसे बना हुआ है। देख सकते हो फ्रंट एलिवेशन आपका ऐसा दिखने वाला है, दो हिस्सों में बना हुआ, मतलब दो भाइयों के लिए मकान है, तो एग्जैक्ट टू कॉपी बना है लेफ्ट और राइट साइड दोनों। फ्रंट से आपको लग रहा होगा सिमिलर है, बट जैसे आप अंदर जाएंगे मकान तब आपको दिखेगा, क्योंकि मैंने जस्ट डबल डबल चीजें क्रिएट की हैं, इसी के वजह से ये मकान आपको और एक बेहतरीन सा लुक देने वाला है। तो चारों तरफ शायद इनका ओपन है, इस वजह से चारों तरफ इन्होंने विंडो लगा रखी है। अगर आपका ओपन नहीं है तो आप इन विंडोज को हटा सकते हैं। पीछे भी एक इन्होंने एक डोर मांगा था 20 से, शायद पीछे इनकी जगह है, इस वजह से पीछे भी डोर मैंने दिया है, और साइड में विंडो और वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से दे रखा है। साइड की बात, फ्रंट की बात करें तो फ्रंट का आपका ये बेहतरीन सा डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर पर। ये दोस्तों जो आप बेडरूम टाइप के तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर स्टेयर्स बनी है, स्टेयर्स को ढकने के लिए यहाँ पर मैंने ये दोनों चीजें क्रिएट की है। इसमें पूरा मैंने चीजों को वेंटिलेशन का ध्यान रखा है। तो ये फ्रंट एलिवेशन होने वाला है, जो आप लोग देखिए चार आपको यहाँ पर ब्लैक कलर के आपको पिलर मिल रहे हैं, हालांकि पिलर आप 9 इंच के बनवाएंगे, इसके बाद आपका पीओपी वाला ये डिजाइन बनाकर देगा आपको। ये डिजाइन बनी हुई है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये चढ़ने के लिए। दोस्तों अभी आपको ये यहाँ पर क्या है, स्टेयर्स है, अभी मैं दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ उसके नीचे लेट बाथ बना हुआ है, लेट बना हुआ है, राइट हैंड साइड में व्हील को सिमिलर है। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर पूरा बना हुआ है, आप देख रहे होंगे पूरा प्रॉपर तरीके से चीजें मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखी हैं। ये इसका चढ़ने के लिए स्टेयर्स और स्लोप दोनों तरफ से मैंने डिफाइन, जैसे आप जाते हैं तो 8 फीट का आपको बारंदा देखने को मिलता है। ये दोस्तों बारंदे का पूरा 8 फीट का है, इसी में स्टेयर्स है। देखिये मैं लेफ्ट हैंड साइड डिफाइन करता हूँ, तो मैंने जो स्टेयर्स बनाई है वो अंदर से चढ़ने के लिए, मतलब इधर साइड से वॉल की साइड से चढ़ने का स्टार्ट किया है। यहाँ से आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद आपको लैंडिंग आ जाती है, 5.5 फीट पे लैंडिंग है। इसके बाद फिर से इधर की तरफ आपका स्टेयर्स चढ़ना स्टार्ट जाने को तैयार हो जाता है। तो ये जो मकान बना है 11 फीट ऊंचाई पर बना है, और इसमें लगभग आपकी जो मैंने स्टेयर्स का साइज रखा बहुत ही स्टैंडर्ड रखा है, जिसमें अगर आपका बुजुर्ग व्यक्ति भी घर में है अगर वो चढ़ना चाहे तो बहुत ही आसानी से चढ़ सकते हैं। 6 फीट का यहाँ पर मैंने ऊंचाई रखी, 1 स्टेप की और 1 फीट का पूरा चौड़ाई रखा है, पैर रखने वाला, इसे राइडर बोलते हैं। तो ये पूरा बहुत स्टैंडर्ड है, यहाँ पर स्टेयर्स बनी हुए है। हालांकि जगह आपका काफी ज्यादा लेगा, क्योंकि जो यहाँ पर चढ़ने के लिए इन्हें चाहिए ना, वो आपको प्रॉपर जगह चाहिए, लेकिन घर आपकी स्टेयर्स बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। अभी मैं स्टेयर्स को हटाकर भी दिखाऊंगा लेट बाद, यहाँ पर आपका लेट या टॉयलेट जो भी चाहे वो आप नीचे बना सकते हैं, वो मैंने बनाया भी दिखाऊंगा उसका आपको। ये देखिए डोर देखने को मिल रहा होगा, ये डोर लगा हुआ है नीचे। वहीं राइट हैंड की बात करें तो उधर भी बिल्कुल सिमिलर, इधर से चढ़ने का है और उधर टर्न होकर आप वापस आएंगे। अब देखिए डिपेंड करता है, अगर आप बाहर की तरफ से चढ़ना चाहते हैं, मतलब इसको फ्लिप करना चाहते हैं, ये वाली चीज इधर लाना चाहते हैं तो इधर भी ला सकते हैं, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है आपकी स्टेयर्स में, बस आपका लेट बात उस साइड से हो जाएगा। लेकिन मैंने इस वजह से ये चीजें यहाँ पर शिफ्ट की है जिसे यहाँ पर मैं विंडो दे पाऊं, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको इस साइड क्रिएट किया है। विंडो से क्या होगा, क्योंकि बारंदा तो केवल आपके इतना ही रहेगा, यहाँ पर आपका वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा स्टेयर्स के नीचे, इसलिए मैंने यहाँ पर विंडो भी दिया। इसी वजह से मैंने स्टेयर्स यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किए हैं, यहाँ पर आपके विंडो हो जाएगा, यहाँ पर जो नीचे आपके लेट बाथ बना वहां पर वेंटिलेशन हो जाएगा ये आपका, जिससे इसका चीजें जो गैस वगैरह पास हो वो यहाँ से होती रहे। इसके बाद राइट हैंड साइड में भी कुछ सिमिलर ही बना है। इसके बाद अंदर जाने के लिए दो डोर आपको यहाँ से, ये वाला ये जो डोर दिख रहा है लास्ट वाला ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सेपरेट आप घर मानकर चल सकते हैं। एक डोर इधर से भी दिया है, एक डोर इधर से भी दिया है। आप अभी तो फिलहाल एक ही मकान दिखेगा, लेकिन भविष्य में कभी भी बंटवारा अगर आप करना चाहते हैं तो बीच में हॉल खड़ी करिएगा और आपका बंटवारा हो जाएगा। तो अगर आप इस डोर से एंट्री करते तो देखिएगा हॉल में आ जाते, जो कि कॉमन हॉल है दोनों भाइयों के लिए। अगर आप भविष्य में जब भी बंटवारा करेंगे तो इसका डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड पे एक बेडरूम है जिसके लिए डोर मैंने यहाँ पर दे रखा है, ये डोर है, यहाँ से आप जाएंगे। जस्ट सिमिलर राइट हैंड में भी आपका आपके एक बेडरूम है, उसके लिए भी डोर यहाँ पर दे रखा। आगे जाएंगे लेफ्ट हैंड में आपको किचन देखने को मिलता है, जिसका डोर भी देखिएगा आपको देखने को मिलता है। राइट हैंड में भी आपको किचन देखने को मिलता है। दोस्तों साइड में उन्हीं की जगह, इसलिए मैंने विंडो भी यहाँ पर दिए है। अब आगे आप जाते हैं तो कॉर्नर पर आपको एक बेडरूम देखने को मिलता है, और इस कॉर्नर पर भी बेडरूम मिलता है। अगर आपको ये वाली विंडो पसंद नहीं तो आप इस विंडो को हटा भी सकते हैं, मैंने एक ऑप्शनल तरीके से लगा रखी है। इसके बाद ये आपका लेट बाथ यहाँ पर देखिएगा, दोनों तरफ बना है, बीच में एक गैलरी सी गई है जो की लगभग 4.5 से 5 फीट का है, जिसमें डोर मैंने दिया, पीछे इनकी जगह है जिससे ये पीछे आराम से
जा सके। तो ये लेट बाथ भी बनाया। तो यहाँ पर दो बेडरूम, एक आगे एक पीछे, इसके बीच में किचन, साइड में लेट बाथ, एक स्टेयर्स आगे और बारंदा, जिससे स्टेयर्स के नीचे भी लेट बाथ है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ इस जीने को हटा करके। तो ये देखिए जैसे मैं स्टेयर्स हटाया है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लेट बाथ का एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ से चढ़ने वाला था जो कि मैंने वॉल से कवर नहीं किया था, और यहाँ से ये देखिएगा मैंने कवर अप किया है ये वाला, देखिए यहाँ पर डोर भी दिया ऐसे, बिल्कुल राइट हैंड साइड में भी बिल्कुल सिमिलर चीज मैंने क्रिएट कर रखी है। तो आप ये देख सकते हैं और सारी चीजें वही हैं, और आप देख सकते हैं सब कुछ आपको वही कुछ देखने को मिलता है। ये आपको फ्रंट है जो मैं दिखा दूं एक बार, और मैंने बता दिया विंडो किस रीजन से यहाँ पर लगाया है आपको वो भी, और ये प्लर आपके चार है जिससे आप ऊपर जा पाएंगे। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचेगा तो सबसे पहले 3.5 फुट का बाउंड्री वॉल मैंने चारों तरफ बना रखा है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ की, तो आप जो आपका स्टेयर्स था ना उसको गुमटी से कवर कर रखा है, वही 8 फिट एरिया ही कवर किया है, जो 8 फिट का बारंदे वाला वॉल था और सबसे फ्रंट वाला उसी को कवर किया है। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मैंने ये देखिएगा 3 फिट का ये वाला स्पेस, यहाँ से यहाँ तक 3 फिट का वॉल है। इसके बाद ये वाला एरिया थोड़ा सा आपको और 1.5 फिट आगे निकले मिलेगा, ये 4.5 फिट पर, यहाँ से यहाँ तक 4.5 फिट, 3 फिट, ये डिजाइन के पर्पज से मैंने चीजें बना दी है। अगर आप चाहते हैं पूरा फ्लैट बनाना तो फ्लैट भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा 1.5 फिट और आगे से ले लिया है। जब भी आप बीम डलवाए ना तो इस पिलर से बाहर की तरफ बीम और इस पिलर से भी बाहर की तरफ बीम लाए, जिससे आपका सपोर्ट बना रहे। ये ग्रिल का डिजाइन ये देखिएगा बना हुआ है, 12.5 फिट यहाँ से यहाँ तक है, 12.5 फिट ये बाद, बाकी जो एरिया बचा आपका ये एरिया आपका 42 फिट में, जिस पे इसलिए मैंने दो आपके देखिएगा ग्रिल इस्तेमाल की है। इसके बाद ये 12.5 फिट में 6.5 फिट का आपका ग्रिल बना हुआ है, 3 फिट इधर स्पेस है, 3 फिट इधर स्पेस है। इसमें मैंने डिजाइनिंग के पर्पज से कुछ बॉक्स बनाए हैं, इधर वेंटिलेशन टाइप का विंडो लगा रखा है। सिमिलर कहानी इस तरफ है, बिल्कुल सेम टू सेम क्योंकि बनाए। ये वाला जो एरिया देखिए 12.5-25 फिट आपका निकल गया, और लगभग ये 42 फिट इसकी चौड़ाई है, तो बाद बाकी जो भी एरिया बचा उसको दो पोर्शन में डिवाइड करके एक ग्रिल यहाँ पर लगाई, एक ग्रिल यहाँ पर लगाई, बीच में वेंटिलेशन और ऊपर से ये आपकी पट्टी टाइप की लगा रही डिजाइनिंग के पर्पज से। लास्ट में इस गुमटी को ढकने के लिए छत बना दी है मैंने, ये देखिएगा, तो ये ओवरऑल मकान बनकर रेडी हो जाता है। मैंने इस इमेज को रेंडर करके अपने जो भी हम जिन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था उनको दिया है, उसमें लाइट वगैरह भी रेंडरिंग में प्रॉपर समझ में आती है, चीजें और प्रॉपर समझ में आ जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप भी दो भाई हैं और आप ऐसे मकान की डिमांड चाहते हैं, ऐसे मकान को डिजाइन कराना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप हमें कॉन्टेक्ट करें, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूंगा। थैंक।